सर, हमारा ये फिकले गांव आके आप लोग को कैसा लगा? तो अभी यहाँ का रहन सहन, खाना पीना आपको कैसा लगा वो बता दीजिए सर। यहाँ पे आके लगा कि दुनिया से कहीं बाहर एक जगह में हम लोग आ गए हैं। हम लोग जो रहते हैं कोलकाता में, जी चारों तरफ शोर शराबा, यहाँ पे आके लगा कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह में आ गए हैं। जी इतना बढ़िया आप लोगों का मतलब रिसेप्शन, और उसके बाद आपका जो फार्मिंग का स्टाइल जो देखा हम लोगों ने यहाँ पे, और जो आप लोगों का प्यार मिला यहाँ पे आके, ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। थैंक यू सर। सर आप भी बता दीजिए यहाँ का जो एक मिनट। हाँ बताइए। यहाँ का जो खाना आपको और सुनिए, बैठने रहने का आपको कैसा सुविधा मिला वो आने के बता दीजिए। पहले मेरा एक शक था जो जगह कैसे है, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आने का बाद आपको सबका सबका साथ मुलाकात होने का बाद यही मालूम हुआ जो एक अच्छा जगह आ गया। टूरिस्ट होते ना नाते रिसेप्शन जो मिला हमको, वो होम स्टे का जो कंसेप्ट है वही फॉलो किया। ये कोई होटल से फराक है ये मालूम है। फिर और एक बार, और आपका परिवार में जो है, परिवार का अनुष्का बेटिया, अनंत जी, भाभी जी, अमित जी, आप लोग सब कुछ मिलकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों का। जगह तो अच्छा ही है ही, नसीब खराब है कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो सीनिक ब्यूटी है इधर का, जी बार्ड्स का तलाश में आया, बार्ड्स भी मिला, बहुत अच्छा कॉमन क्वाइट एटमोसफियर, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा है। एक ही प्रार्थना है जो आप लोग ये अच्छा जगह से अच्छा रखने के लिए जो प्रयास कीजिए, थोड़ा इको टूरिज्म के लिए जो रूल्स है वो मानना चाहिए, ये क्लीनलीनेस होना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि इससे बाद ज़्यादा टूरिस्ट भी आ जाएगा तो आपका दायित्व भी बढ़ जाएगा। हम लोग बहुत प्लीज है, बहुत अच्छा लगा। अब सब लोग आप लोग को लिए मेरा आंतरिक शुभेच्छा और शुक्रिया है। थैंक यू सर, इट्स माई प्लेजर सर।